फिर से आ चुका है एयरपोर्ट पे। आप लोग देख सकते हो पीछे पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो फिशेज वगैरह है सब आ चुका है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ पैकेट यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ पे और एक फिश आ गया है जिसका नाम है एंटिटी नॉर्थन। छोटा साइज का, एक बेबी साइज का स्नो व्हाइट कैट फिश है। अभी आप लोग देख लो कितना कलरेशन है इसका। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज बिस्टू, आई एम द मॉन्स्टर फिश वर्ल्ड। एंड फिर से आ चुका है एयरपोर्ट पे, आप लोग देख सकते हो पीछे। तो अभी क्या ना, इस बार बहुत ज्यादा एग्जॉटिक फिश, एंड थोड़ा बारिश भी हो रहा है। थोड़ा इंट्रो कर ही लेते हैं आप लोग के साथ। इतना ज्यादा एग्जॉटिक वराइटीज का फिश आने वाला है ना, मतलब इतना क्वान्टिटी में हर एक फिश आने वाला है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी क्या है ना, थोड़ा देख लेते हैं कौन सा कितना फिश वगैरह आता है, वो हिसाब से आप लोग को हर एक अनबॉक्सिंग भी दिखाने वाला है, हर एक फिश आप लोग को दिखाने वाला है। चलो चैनल का पूरा वीडियो देखना, बिकॉज रात का हो चुका है, 12:30 बजने जा रहा है। हम आए हुए एयरपोर्ट पर, मान लेगा घर जाएगा, एंड आप लोग को हर एक फिश दिखाने वाला। चैनल को प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हर रोज़ जैसा भी वीडियो आ रहा है ऐसे कंटिन्यूसली आते रहेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा गैप पड़ जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो फिशेज वगैरह है सब आ चुका है, मैंने ट्रॉली में लेके आया। यहाँ पे कितना बॉक्स है आप लोग देख सकते हो, मैं सब फिशेज है, घर जाके सब दिखाने वाला। टोटल 11 बॉक्स फिशेज आया हुआ है, तो आप लोग को सब जाके दिखाने वाला है हम लोग, कौन सा फिश आया क्या नहीं आया। अभी तक एयरपोर्ट में है, अभी टाइम हो चुका है, दिखा लेते हैं आप लोग को एक बार। 12 बज चुका है अभी, तो जाके छोड़ते, पूरा रात तो आज गया फिर से काम। बाकी फिश बॉक्स खोलने का टाइम दिखा देगा आप लोग को। अभी तो यहाँ पे चार बॉक्स टोटल आ चुका है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे चार बॉक्स आ चुके हैं, और भी बाकी बहुत बॉक्स बाकी है, चलो वो भी लेके आना है। अभी यहाँ पे 7 बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स, यहाँ पर अभी भी 7 बॉक्स, सब अकेला हमको लेके जाना है आज। तो हटे हम, मेरा हेल्प करता है जो लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था, उसका क्या किया, बोला हमको भैया हम आएगा, आप हमको कॉल कर लेना। तो अभी फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं भी सो गया इसलिए उठा नहीं पा रहा है। तो फिर से आज बहुत ज़्यादा खटनी होने वाला है मेरा, तो सुबह उठ के फिर से पैकिंग वगैरह है। तो जितना जल्दी हो जाएगी सब फिश हमको छोड़ना है, अकेला इतने दूर से लेके जाना पड़ेगा, इसलिए सब अकेला करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं, जितना हो सके आज थोड़ा कम ही दिखाएगा आप लोगों को, कौन सा फिश आया वो सिर्फ दिखाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऑलरेडी अभी हमको नींद आ रहा है, अभी बाकी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो माल छोड़ना ही बाकी है, क्या होगा नहीं पता। तो अभी आप लोग देख सकते हो जितना बॉक्सेस है यहाँ पे, टोटल सब बॉक्सेस, सब रास्ता जो है यहाँ पे, जो घर देख सकते हो ना, यहाँ पे वो बॉक्सेस था। तो यहाँ से सोच लो कितना दूर है, यहाँ से मेरा घर यहाँ पे रहे, तो यहाँ पे इतना लेके आने में हालत तो ख़राब हो चुका है, ज़्यादा आज हम आप लोग को दिखा नहीं पाएगा। जल्दी जल्दी बॉक्स खोल के माल छोड़ने के बाद हमको थोड़ा सोना है, बिकॉज सुबह में फिर से कुछ पार्सल जाने वाला है। चलो जल्दी जल्दी एक एक बॉक्स खोल के चेक करके आपको बताते हैं क्या क्या है। सब बॉक्सेस खाली तो हो चुका है, बट अभी यहाँ पे कुछ पैकेट्स हैं, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पैकेट रखा हुआ है। सीजन का यहाँ पे पौंड है ना, पौंड में तो रखा हुआ है कुछ पैकेट, के बाद आपको दिखाने वाला है। 12 एरापाइमा सब यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये टैंक में छोड़ने वाला है, नीचे वाला टैंक पे, एंड और एक जगह पे हम दिखा देता है, और एक जो रूम है फिश का वहाँ पे भी दिखा देता है। यहाँ पे भी सब पैकेट्स में फिशेज भरा हुआ है, भरा मतलब एकदम फुल भरा हुआ है, यहाँ पे भी फिशेज सब भरा हुआ है। तब ये सब फिशेज छोड़ने वाला है टैंक पे, उसके बाद हम आपको दिखाएगा छोड़ने का टाइम। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ पैकेट यहाँ पे खुल रहा है, खुलना स्टार्ट कर दिया हम। यहाँ पे ब्लैक डायमंड जो है, इसका कलरेशन देख लो एक बार, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हटा के हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बट डर लगता है, और एक कोई स्टिंग ना मार दे। इसका कलरेशन क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है जरूर कमेंट में बताना। यहाँ पे जो ब्लैक डायमंड भरा हुआ है, यहाँ पे एक तो फिश है, ये ब्लैक हुई जो फ्रंटोस है, ये भी अप्रोक्स 5.5 से 6 इंच का आया हुआ है। इसका भी पैटर्न आप लोग देख लो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 to 6 पीसेज आ चुका है। ये सबको ज़्यादा छोड़ेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी छोड़ने वाला है, यहाँ पे अभी इस बार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा फिशेज छोड़ने में। ये है ब्लैक वीडियो फंटोस जो अभी हम लोग छोड़ा है, इसका बॉडी पैटर्न देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा अलग है। तो यहाँ पे ब्लैक वीडियो फंटोस भी छोड़ चुका है, यहाँ पे भी एक पीस, एंड बाकी जितना फंटोस है आप देख सकते, हेड निकला हुआ, ये सब पुराना स्टॉक है हम लोग का। तो अभी चलो बाकी फिशेज भी छोड़ते हैं। तो हम लोग का जो फोर्थ फिश है, ये फायर रील है, नक्के तब साइज एंड कलरेशन इसका, तो फिर इतना खूबसूरत आ रहा है, धीरे धीरे कलर आ रहा है। इसका साइज देख सकते हो, इसमें कलरेशन देखो, अभी पूरा बारीकी से इतना अच्छे कलर आ रहा है, सब पूरा सबका बॉडी में अच्छा खासा कलरेशन है। और एक एक फिश है जो एरापाई में, जैसे आप लोग सोचते हैं ना मॉन्स्टर होता है, ये भी मॉन्स्टर में पड़ता है भाई। इसका भी देखो कितना अच्छा कलरेशन देखो, इस फिश का देखने में इतना सॉफ्ट रहता है, काटता नहीं है, कुछ नहीं करता है। तो आप लोग ये वाला भी मॉन्स्टर फिश भी ऐड कर सकते हो, इसका नाम है फायर डील। इसका कलरेशन अभी थोड़ा आपको लग रहा है ना लाइट है, बट देखो कलरेशन आप लोग को कितना अच्छा कलर, पूरा बॉडी में रेड कलर का मार्किंग रहेगा, पूरा लाइनिंग वगैरह ऐसे रहेगा। ये भी अप्रॉक्स का रहेगा 15 to 16 इंच का अप्रोज अवेलेबल है। यहाँ पे आ चुका है हम लोग का मोस्ट एग्जॉटिक कैटफिश, जो लास्ट टाइम हम लोग के पास था, सोल्ड आउट हो गया, अभी फिर से हम लोग के पास स्टॉक में आ चुका है।
प्लैटिनम रेक्टल कैटफिश। इसका साइज अप्रॉक्स है 7 इंच का। तो हम लोग नया स्टॉक आ चुका है, तो ऐसे एग्जॉटिक्स कलेक्शन थे मेरा ऑब्वियसली फॉलो करना, उसके साथ आप लोग को इसमें से कौन सा फिश अच्छा लग रहा है उसको भी बताना। तो ये फिश कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना है। उसके और एक भी साइज़ हम लोग के पास अवेलेबल है, तो ये है 7 इंच का। तो चलो और एक क्या साइज अवेलेबल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो छोटा साइज़ का एक बेबी साइज़ का हम लोग के पास स्नो वाइट कैटफिश है। ये स्नो वाइट कैटफिश है एंड इसका अप्रॉक्स साइज़ है 5 इंच। स्नो वाइट कैटफिश एंड ये दोनों है प्लैटिनम। आप लोग को देख के समझ में आ ही रहा है कौन सा प्लैटिनम है कौन सा स्नो वाइट है। ये है स्नो वाइट रेटल कैट और ये जो है प्लैटिनम रेटल कैट। हम लोग तीनों पीसेज अवेलेबल है, किसी को जल्दी बुक करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कलर है, ये रेड पाइगन, रेड पाइक का साइज मतलब जाइंट साइज है। इसका अप्रॉक्स साइज है 12-13 इंच का रेड पाइक है, उससे भी बड़ा ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा इसको पकड़ने का कोशिश करेगा साइड से दिखाने के लिए। कलरेशन देख सकते हो, अभी तो कलर थोड़ा फेड ही है, तो ज़्यादा लोग का डिस्टर्ब करेंगे नहीं, सीधा टैंक वगैरह में छोड़ना पड़ेगा। तो चलो इसको छोड़ ही देते हैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करके। यहाँ पे और एक फिश आ गया है जिसका नाम है एंटिटी नॉर्थन टाइगर, या आप लोग इसको डेडनॉइड भी कहा जाता है। तो इसको एंटिटी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थन टाइगर। इसका अप्रॉक्स साइज है 5-5.5 इंच अवेलेबल है। तो किसी को टाइगर फिश चाहिए तो जरूर कॉन्टैक्ट करना, ये भी हम लोगों के पास अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें पैकेट में एरापाइमा है, ये सब पैकेट में यहाँ पे एरापाइमा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, चलो दिखा दे, यहाँ पे सब एरापाइमा है, बड़ा बड़ा एरापाइमा, तो सब टाइम में छोड़ने वाला था। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो बहुत छोटा छोटा पल अरोना आ चुका है हम लोग का, जो ए टैंक में छोड़ने वाला है हम लोग। इसके साथ यहाँ पे सिल्वर अरोना है, एल्बिनो अरोना है छोटा, उसके साथ छोड़ने वाला। तो यहाँ पे पल अरोना का किसी रिक्वायरमेंट रहता है छोटा साइज का, तो हम लोग का पता भी अवेलेबल है। तो आप लोग हम एक दो पीस अभी लास्ट टाइम भी दिखाया था, बहुत पीस, 2-4 पीस। अभी आप लोग देख लो कितना कलरेशन है इसका, मतलब उसमें ऑसम कलर है। यानी इस बार बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हम लोग के पास आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोल में भरा हुआ है हम लोग पास कितना है, 18 पीसेस आया हुआ है, 18 पीसेस। तो यहाँ पे तो ज़्यादा ही लोग का डिस्टर्ब हम करेगा नहीं। वहाँ पे हर एक फिश का कलरेशन आप लोग देख सकते हो, तो कितना अच्छा कलरेशन है। बॉडी पैटर्न, बॉडी साइज भी ऑसम है। यहाँ पे कलर कोई यहाँ पे लाइट यूज नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो बहुत दिन बाद हमको फ्लावर भी आ चुका है। तो अभी ये फ्लावर का क्वालिटी हम लोग को दिखाने वाला है। बहुत बोल रहे फ्लावर लाओ फ्लावर लाओ, तो इसका अभी थोड़ा हेड डाउन है, कुछ 2-3 दिन में इसका हेड आ भी जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट बॉडी भी आया हुआ है, इसका भी देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छा। चलो इसको भी छोड़ देगा, बहुत जल्दी फ्लावर का बहुत ज़्यादा स्टॉक आने वाला है। छोटा ब्लैक डायमंड स्टिंगरे भी आया हुआ है, तो जैसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बड़ा नहीं लेके आया, छोटा भी हम लोग लेके आया है, बिकॉज बहुत किसी को छोटा भी पसंद आता है। तो इसमें से कौन सा आपको पसंद आ रहा है जल्दी हमको कमेंट बताना है। तो स्क्रीन शॉट लेके मेरा व्हाट्सअप में जरूर, मेरा नंबर है 7595969792, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो स्क्रीन शॉट लेके कि ये वाला भैया मेरे लिए बुक करना, हम इतना दिन या 3-4 दिन बाद इसको हम लेना है। तो यहाँ पे और एक बॉक्स जो है, जो लास्ट एंड लास्ट बॉक्स है, यहाँ पे बहुत दिन से हर किसी रिक्वायरमेंट था भाई, स्टिंगरे लाओ स्टिंगरे लाओ। एंड कम रेंज का स्टिंगरे जो अभी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टिंगरेज है, इसका नीचे दिखा दे स्टिंगरे हैं। तो यहाँ पे स्टिंगरेज भी आ चुका है हम लोग का, लो बजट का जो मोटोरे स्टिंगरे कम प्राइस में जो आता है वो आ चुका है। ये सब फिशेस हम आप लोग को जो बोल है ये बोल में डाल के दिखाने वाला है, पैटर्न वगैरह क्या है क्या नहीं है। चलो फिर लास्ट टाइम बॉक्स ये होगा तो मेरा काम पूरा ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग के पास फिर से कोइस का स्टॉक आ चुका है, जैसे लास्ट टाइम आया था यहाँ पे अभी भी है वेलटेल कोइस। तो यहाँ पे हम लोग कोइस का स्टॉक फिर से आ चुका है। यहाँ पे जैसे योलो मेंटालिक, यहाँ पे जो है बटरफ्लाई कोइस वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे है, बहुत कुछ कोइस सब हम दिखाने वाला आप लोग को। तो चलो ये वाला पहले देख लेते कौन सा कोइस है, हर बार कोई आ रहा था आप लोग, कोई इतना कहाँ जा रहा है। ऑब्वियसली ये जो वेलटेल कोई है अभी इतना चल रहा है, आपको क्या बोले, हर कोई इसको पसंद कर रहा है, हर कोई इसको एक्वेरियम में रखने का सोच रहा है। तो अब इसका क्वालिटी भी देख सकते हैं, इस क्वालिटी एकदम ऑसम क्वालिटी आया हुआ है। तो ये वाला क्वालिटी आप लोग को भी चाहिए, आप लोग भी एक्वेरियम में कोई इसको रख सकते हैं, ये वाला क्वालिटी ऑलरेडी रख सकते हो। यहाँ पे फिर से आ चुका है हम लोग के पास प्लैटिनम कोई का कलेक्शन। तो आप लोग को दिखा के फायदा तो है नहीं, क्योंकि एक कोई आप लोग फिर से देख चुका है, फिर से हम दिखा रहे हैं, तब भी हम थोड़ा दिखाने वाला है आप लोग। और भी कुछ कुछ कोई है नया आया हुआ है वैरायटी, कोई चलो वो भी दिखा लेंगे आप। तो हम लोग के पास 12 इंच का वेलटेल कोई आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, स्नेक स्किन वगैरह या फिर मेटालिक वैरायटी भी कुछ कुछ आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्नेक स्किन का क्वालिटी देख रहे, मेटालिक का भी वैरायटी आ चुका है। तो क्वालिटी कैसा लगा जरूर बताना कमेंट पे, उसके साथ क्या वीडियो नेक्स्ट टाइम बनना है बनाना है वो भी बताना। वेलटेल का कलेक्शन जो अभी आ रहा है वो भी कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना। कोई का और एक पैकेट खुल चुका है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मेटालिक वैरायटीज़ बहुत है, यानी इसमें से कौन सा कोई आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, या कुछ कुछ कोई हम डबल डबल लेके आए, बिकॉज क्या है ना कोई के कस्टमर का सेम क्वालिटी 2 या 3 पीस चाहिए होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं हर एक वैरायटी 3-4 पीसेस लेके आता है। लास्ट पैकेट जो खोला
ऊपर जैसे स्नेक स्किन देखे थे आप लोग ये वाला, तो वो वाला सेम से और ये पैकेट में भी है। तो अभी देख लेते हैं पॉन्ड में कितना वेल्टेल है, कैसा लग रहा है पॉन्ड वेल्टेल वेल्टेल। इस बार ना आप लोग देख सकते हो जितना फिशेज है, थोड़ा ऑक्सीजन को बंद करेगा हम, सिर्फ वेल्टेल कोई भरा हुआ है पॉन्ड में। आप लोग देख सकते हो कितना वैरायटीज का वेल्टेल कोई है। तो वेल्टेल कोई को बहुत जल्दी एक वीडियो बनने वाला है, तो फिर फिशेज आया हुआ है तो हमें ऑक्सीजन ऑन कर देता है, ज़्यादा टाइम इसको वेस्ट करेगा नहीं। आप लोग देख चुका है कोई इसका क्वालिटीज है या जो भी जो फिश हम लोग के पास आया हुआ है सबका क्वालिटी सब लोग देख ही चुका है। उसके साथ साथ इस बार जो फिशेज आया है उसमें से आप लोग को कौन सा फिश पसंद आता है वो भी ज़रूर बताना। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है भाई, थोड़ा सा होली था उसको, मेरा तो कुछ पर्सनल मैटर के लिए थोड़ा इशू के लिए हम लोग वीडियो नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी था इसीलिए नहीं कर पा रहे थे। सब देख सकते हो ये सुबह का जो मतलब वीडियो का सुबह हो गया बनाते बनाते, अभी हमें जो आउट्रो दे रहा है ख़त्म कर रहा है वीडियो, हम रात हो गया मतलब इतना बिजी हो रहा है कि नया फिशेज भी आया, थोड़ा जगह भी एक्वेरियम भी कम था इसलिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, फिश भी इतना सारा आ गया, आप लोगों को क्या बोले। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, हम बहुत जल्दी आएगा ना, ये वीडियो में कौन सा फिश आपको अच्छा लगता है ज़रूर बताना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसे ही चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना है, उसे आप लोग को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज क्योंकि जो जिसको इसका जो भी फिश आप लोग को लवर से उसे शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।